आज हम बनाएंगे चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमने लिया है 800 ग्राम चिकन है, एक तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, पिसी हुई काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने 3 टमाटर पीस कर रखे हुए हैं, तेल, एक प्याज किसा हुआ, धनिया बारीक कटा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, गैस ऑन करेंगे। तेल डालेंगे पैन में, तेल गरम हो जाए थोड़ा। तेल गरम हो गया है, इसमें दालचीनी डालेंगे, इलायची, लौंग, तेजपत्ता, प्याज डाल, प्याज को सुनहरा होने का गिनेंगे। देखिए प्याज हो गए हैं, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट भुनेंगे। देखिए अदरक लहसुन पक चुके हैं, हम गैस स्लो करेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डाली है, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच, इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। देखिए मसाला भुन गया है, हम इसमें टमाटर पिसे हुए थे ये डाल देंगे। नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालिए, हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, टमाटर पक जाए अच्छी तरह। देखिए टमाटर पक चुके हैं, जब टमाटर पक जाते हैं देखिए ऑयल दिख रहा है, ये ऑयल छोड़ दिया है इन्होंने, टमाटर पक गए हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे, चिकन डाल दिया है, हम थोड़ा सा नमक इस पे ऊपर से डालेंगे, हमने नमक पहले भी डाला था, थोड़ा नमक और इस पे डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए चिकन हमने इसमें मसाले में अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन खुद ही पानी छोड़ता है, इसे हम ढककर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में इसे देखते रहेंगे। देखिए चिकन पक चुका है, इसे हमने 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया था, फिर इसे देखा तो ये पका नहीं था, तो इसे स्लो पे हमने 10 मिनट और पकाया है, टोटल 45 मिनट हमने इसे पकाया है। अब ये पक चुका है, गैस ऑफ कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इसकी करी गाढ़ी है, इसे थोड़ा पतला करना है, तो आप इसमें ठंडा पानी ना डालें, इसे 25 मिनट पकने के बाद आप गर्म पानी करके इसमें डाल दीजिए और इसे 10-15 मिनट और पका लीजिए, तो इसकी करी पतली हो जाएगी। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारा चिकन करी बनकर तैयार है, अब हम इस पर धनिया डालेंगे। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।